सड़क मार्ग के उद्घाटन करने और बजट का प्रावधान करना ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सरकार की ही देन है और विधायक राजेंद्र राणा के प्रयासों के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। ये बात हमीरपुर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने सुजानपुर में कही। उन्होंने बताया कि 2012 से लेकर 2017 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गांव की लोगों की समस्या को देखते हुए इस सड़क के लिए लाखों रुपए के बजट का प्रावधान किया था और विधायक राजेंद्र राणा द्वारा शिलान्यास पट्टी भी लगवाई थी, जिसके लिए खुले मंच पे वे किसी भी भाजपा नेता के साथ बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों की बौखलाहट को लेकर भाजपा झूठी बयानबाजी कर रही है। गुप्ता ने कहा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और विधायक निधि से ही किसी कार्य को अमलीजामा तक पहुंचाने के लिए उनके कार्य क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं। जो संपर्क मार्ग का निर्माण किया गया है वो उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के उपरांत ही किया गया है। ये विकास कार्य भाजपा को पच नहीं पा रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारी शहर में विकास होने नहीं दे रहे हैं और जो विकास करने जा रहा है उसके भी उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने तो अपना मन बना लिया है, एक बार फिर से सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा इतिहास बदलेंगे। निश्चित रूप में इस वक्त जयराम सरकार जो है वो फ्लॉप हो चुकी है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। 5 साल में कोई भी उन्होंने कार्य नहीं किया जिसे लोग याद कर सके। तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र राणा जी हैं, वो एक माने हुए मान्य नेता हैं और उनकी जीत जो है वो निश्चित रूप में होगी और अच्छे वोटों से होगी। भाजपाइयों का काम तो टिप्पणी करना ही है, क्योंकि इनको शुरुआत जो होती है वो टिका टिप्पणी और किसी के इसमें क्या नाम टिप्पणियाँ करना ही इनका कार्य होता है। तो राजेंद्र राणा जी विधायक हैं और जो भी विधायक निधि से पैसा मंजूर करवाना या कार्य करवाना इनके कार्यक्षेत्र में आता है, ये विधायक का काम होता है। राजेंद्र राणा जी काम करवा रहे हैं, बैठक का प्रावधान भी करवा रहे हैं और अपनी ये जो विधायक निधि है इससे विकास भी करवा रहे हैं। 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही और राजा वीरभद्र जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो राजेंद्र राणा जी ने उनसे लाखों रुपये लेकर बजट का प्रावधान किया और विकास के कार्य किए और इस रोड का कार्य भी उसी समय में संपन्न हुआ। ये कोई भाजपा वालों का कार्य नहीं है, ये गलत श्रेय ले रहे हैं।